Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. तो T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब 3 महीने से भी कम का समय बचा है और अब हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया जो भी मैच खेले यहां से T20 उसमें हमें उस टीम की झलक दिखाई दे जो वर्ल्ड कप खेलेगी, जो ऑस्ट्रेलिया जाएगी T20 वर्ल्ड कप के लिए। और अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ दिल भी टूटेंगे, यानी कि जो खिलाड़ी जिनको मौका नहीं मिल पाएगा प्लेइंग 11 में उनके दिल टूटेंगे, उनके सपने टूटेंगे, क्योंकि हर खिलाड़ी के मन में इस वक्त होगा जो टीम के साथ है कि क्या मैं वर्ल्ड कप जा रहा हूं, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाला हूं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि खिलाड़ी सिर्फ 15 ही जा सकते हैं। इसी गुत्थी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। किसके होंगे सपने पूरे और किन के टूटेंगे दिल? जी हाँ, इस बार T20 वर्ल्ड कप में कई खिलाड़ियों के दिल टूटने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही खिलाड़ियों के दिल टूटने लगेंगे। तो आपको बता दें कि दरअसल बात यह है, वर्ल्ड कप के लिए केवल 15 खिलाड़ियों का ही चयन हो सकता है, लेकिन मौजूदा खिलाड़ियों और उनके प्रदर्शन की बात करें तो ऐसे 2 या 3 खिलाड़ी हैं जो खेल तो अच्छा रहे हैं लेकिन बावजूद इसके वो टीम में जगह शायद ना बना पाए। भारत को वर्ल्ड कप से पहले अभी काफी T20 मुकाबले खेलने हैं। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट की नजर उन्हीं खिलाड़ियों को मौका देने पर होगी जिन्हें वो ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए देख रहे हैं। आइए जानते हैं कौन से वो खिलाड़ी हैं जो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह ना बना पाए। श्रेयस अय्यर का मौजूदा फॉर्म T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन सूर्य कुमार यादव उनसे इस रेस में काफी आगे हैं। श्रेयस अय्यर ने वनडे क्रिकेट में तो ठीक ठाक बल्लेबाजी की लेकिन T20 में उनका बल्ला इतना असरदार नहीं रहा। पिछले 5 T20 मैचों में श्रेयस अय्यर ने 14-4, नाबाद 0, 28 और 0 रन बनाए हैं। फरवरी में हुई श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में अय्यर का बल्ला गरजा था लेकिन उसके बाद मिले मौके को वो अच्छी तरह भुना नहीं पाए। उधर दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की है और टीम के लिए जरूरी रन बनाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 में उनकी 117 रनों की शतकीय पारी भले ही टीम इंडिया को मैच न जिता पाई हो लेकिन उस पारी ने बता दिया कि वर्ल्ड कप में सूर्य की जगह टीम में कितनी जरूरी है। पहले IPL और उसके बाद आयरलैंड और फिर इंग्लैंड में धमाकेदार बल्लेबाजी करने वाले दीपक हुडा की भी जगह 15 खिलाड़ियों के दल में बनती नहीं दिख रही। हुडा टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं और भारत के पास पहले से ही टॉप ऑर्डर में रोहित, राहुल और विराट हैं। 15 खिलाड़ियों में भी टीम मैनेजमेंट एक बैकअप ओपनर, एक स्पिनर और एक तेज गेंदबाज और एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को ले जा सकती है। ऐसे में हुडा की जगह टीम में फिलहाल बनती नहीं दिख रही। अगर भारत एक स्पिनर कम ले जाए तो शायद दीपक हुडा को मौका कहीं मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि भारतीय सेलेक्टर्स जो टीम चुनते हैं क्या उसमें वो हुडा को मौका देते हैं या फिर उन्हें अभी इंतजार करना होगा। रविंद्र जडेजा और युजवेंद्र चहल का वर्ल्ड कप में खेलना तय है। अब बात आती है तीसरे स्पिनर की, कौन होगा इनके बैकअप में। दो नाम इस रेस में है, एक है कुलदीप यादव और दूसरा है रविचंद्रन अश्विन। कुलदीप ने IPL में बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन उसके बाद उनको चोट लग गई और वो टीम से बाहर हो गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में वो टीम का हिस्सा तो है, कुलदीप की कोशिश यही होगी कि वो मिलने वाले मौके को अच्छी तरह से भुनाए। वहीं अश्विन की नजरें भी वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने पर होंगी लेकिन बात वही है कि क्या उन्हें मौका मिलेगा। कुलदीप, अश्विन के अलावा रवि बिश्नोई के मन में भी होगा कि वो टीम में अपनी जगह बना सकते हैं लेकिन उनका वर्ल्ड कप टीम में होने के चांसेस कम है। T20 विश्व कप में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, टीम मैनेजमेंट अब ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बारे में नहीं सोचेगी। ऐसे में आने वाले एशिया कप और उसके बाद होने वाली T20 सीरीज में वो केवल उन्हीं खिलाड़ियों को ज्यादा खिलाने को देखेगी जिन्हें वो ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहते हैं। अब अगले महीने होने वाले एशिया कप संकेत दे देगा कि कौन से 15 खिलाड़ियों को टीम मैनेजमेंट चुनती है और किन खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलने का सपना टूटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।